हेलो फ्रेंड्स, कूल कंटेंट बॉक्स चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज मैं स्टूडियो में आप सबको आपके पास पड़ा हुआ कुछ भी भारत का करेंसी नोट से आप कमा सकते हैं 5,000 रुपये तक। वो कैसे मैं आज स्टूडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों पहली बार हमारा चैनल का वीडियो देख रहा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूल मत जाइए। चलो शुरू करेंगे ये वीडियो। और दोस्तों हम हर दिन पैसा लेता है देता है पर कभी उस पर ध्यान नहीं देता। दोस्तों ये वीडियो स्किप ना करके अंत तक देखिए, तब भी मैं जो क्या कॉन्सेप्ट कहना चाहता हूँ आपको समझ आता है। 1 रुपये नोट को देखिए दोस्तों, ये सब थोड़ा जमाने वाले का है। दोस्तों हम करेंसी नोट्स का कलेक्शन में नोट का नोट जारी किया हुआ समय, उस पर पड़ा हुआ दस्तखत, वो नोट का हाल और वो नोट का रेयरिटी स्टैंडर्ड मतलब प्रामाणिक में लेता है, वो सब बातों को इम्पोर्टेंस देता है। 1 रुपये नोट हम तो बहुत बार देखा होगा, कभी आप लोग कभी लेफ्ट साइड एम्प्टी स्पेस में कभी ध्यान से देखा, कभी देखा तो हमको अशोका लाइन कैपिटल रहता है, इसे वाटर मार्क कहते हैं। दोस्तों जमाने से लेके आज तक जारी किया हुआ सारे नोट्स पे वाटर मार्क रहता है, वो वन बाय वन में दिखा के आपको कहता हूँ, तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ये नेक्स्ट जमाने में सी रंगराजन जमाने में जारी किया हुआ 10 रुपये का नोट है दोस्तों, इस पे भी हम देख सकते हैं। इसे मैं रिवर्स की तरफ दिखा रहा हूँ इसलिए राइट साइड नज़र आता है। इस पे हम देखा तो अशोका लाइन कैपिटल पड़ा है और अशोका लाइन कैपिटल का लेफ्ट साइड राइट साइड ऊपर नीचे 6 चक्र जैसा व्हील जैसा हमको डिज़ाइन आ गया, तो ये वाटर मार्क में बदलाव आ गया दोस्तों, क्लियरली देखिए। और उस जमाने में हमको वाटर मार्क सिक्योरिटी फीचर्स में नोट मिंटिंग के समय में सिक्योरिटी फीचर्स में वाटर मार्क के साथ थ्रेडिंग रहता है दोस्तों, और सीक्रेट हिडन लेटर्स भी रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने जहाँ पे जूम करके एक जगह को क्लियरली दिखा रहा हूँ, वहीं पे आप देखने से RBI और वो नोट का डिनोमिनेशन न्यूमेरिकल्स में हमको लिखा रहता है एक कोने में, आप लाइटिंग में रख के स्पेसिफिक कोने से देखने से क्लियरली आपको नज़र आता है। और उसके बाद ये 10 रुपये नोट को देखिए, ये बिमल जलान के समय में जारी किया हुआ 10 रुपये नोट है दोस्तों, मतलब जमाना बदल गया। और ये नोट जारी करते वक्त हमको अशोका लाइन कैपिटल हटा दिया वाटरमार्क में, नया वाटरमार्क लाया दोस्तों, गांधी जी रहता है, ध्यान से देखिए वाटरमार्क गांधी जी रहता है दोस्तों। और यही 10 रुपये और कुछ जमाने गुजरने के बाद, मतलब अभी विमल जलान के बाद बहुत RBI गवर्नर्स आया, और कुछ सालों के बाद YV रेड्डी के जमाने में जारी किया हुआ ये 10 रुपये नोट दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप फर्क क्लियरली समझ रहे तभी आपको क्लियरली समझ आता है। और अभी देखिए ये YV रेड्डी के समय में जारी किया हुआ 10 रुपये नोट है, इस पर हम देखा तो गांधी जी के साथ साथ गांधी जी की कान और अशोका लाइन कैपिटल के बीच में हम देखा तो न्यूमेरिकल आ रहा है दोस्तों, पहले दिखाया हुआ 10 रुपये में भी देख सकते हैं, अभी 50 रुपीज़ का नोट दिखा रहा हूँ 50 रुपये का, और 50 रुपये के नोट में भी देख सकते हैं, पहले अशोक लाइन कैपिटल रहता है, उसके बाद चक्रवाला, उसके बाद गांधी जी के साथ हमको नोट डिनोमिनेशन भी हमको वाटरमार्क में छपाया दोस्तों। और राइट साइड आप देख सकते हैं ये पिक्चर में हमको सिक्योरिटी थ्रेड भी दिया गया है दोस्तों, और सिक्योरिटी थ्रेड में भी इंडिया भारत लिखा रहता है। और दोस्तों मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये नोट्स कभी कभी हमको विदाउट वाटरमार्क भी बाहर आता है दोस्तों, क्योंकि हर नोट जारी करते वक्त पहले वाटरमार्क से पड़ा हुआ पेपर पे ये नोट्स प्रिंटिंग करना स्टार्ट करता है, नेक्स्ट सिक्योरिटी थ्रेडिंग लगाता है दोस्तों, उसके बाद स्टेजेस में हर करेंसी नोट को प्रिंट किया जाता है, ऐसा फिनिश होता है नोट्स का प्रिंटिंग। पर दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ऑक्शंस में देखा हूँ, ऐसा 2-3 देखा हूँ दोस्तों, अलग अलग डिनोमिनेशन अलग अलग जमाने के नोट्स, उसमें हमको वाटरमार्क बिल्कुल था ही नहीं दोस्तों, मैंने देखा हूँ खुद मेरे आंखों से देखा हूँ दोस्तों। और ऐसा नोट के ऊपर पड़ा हुआ दस्तखत जारी किया साल और नोट का डिनोमिनेशन पे उसका कॉस्ट डिपेंड करता है। कुछ दिन पहले एक 50 रुपीज़ उर्जित पटेल का नोट मैंने देखा हूँ, वो नोट हमको 6,000 में एक ऑप्शन में सेल हो गए दोस्तों। तो कभी भी आपके पास कुछ भी करेंसी नोट आए तो उसमें वाटरमार्क है कि नहीं जरूर देखिए दोस्तों, फायदा जरूर होगा। अगर वाटरमार्क नहीं तो बहुत खास नोट है, रखिए आपके पास। धन्यवाद।